बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। मैं सैयद मोहम्मद अजमलीन, आपके लिए ये हफ्ता कैसा रहेगा और ये खसूस एरीज के लिए जो 7 फरवरी से 13 फरवरी के दरमियान क्या होने जा रहा है, ये महीना बड़ा इंपॉर्टेंट है एरीज आपके लिए। मैं मेजर यहाँ पे चेंजेस तो हो चुकी हैं, लेकिन सन आपके 11वें घर में सैटर्न के साथ है और 3 सितारे आपके 10वें घर में बैठे हैं, मार्स, वीनस और मरकरी। तो बड़ी अच्छी पोजीशन बनी हुई है आपको, और अब दो यू विल बी ओवरबर्डन, ओवरलोडेड और क्या कहते हैं, ओवरथिंकर, जिससे ज़्यादा सोचों में रहेंगे, घूम रहेंगे, काम का बोझ बढ़ देगा, लेकिन ओवरऑल एडवांटेजेस आपके ऊपर बहुत ज़्यादा है। बस आपने अपने बॉस के साथ और अपने फादर के साथ बहुत ही सोच समझ के चलना है, फादर की सेहत का ख्याल रखना है, आपका भी सर भारी रहेगा या सर दर्द रहेगा, तो इसलिए ये सिर्फ टेम्परेरी फेज है। 20 फरवरी तक जो सर पे आपके एक कहने की टेंशन एंजाइटी रहेगी। एनी हो, स्टार्ट आपका 7 फरवरी और 8th और 9th, 3 दिन मून आपके दूसरे घर में राहु के साथ है। तो जब इसका वीनस जो है ना वो 10वें घर में बैठा है और बड़ा अच्छा बैठा है और उसको उसका मीडिएटर भी बहुत अच्छा बैठा हुआ है, लिहाजा इस दिन आपको एडवांटेजेस बहुत होंगे, किसी किस्म की नुसरत या इस किस्म का नहीं होगा। इस दिन कोई ना कोई आपको अच्छी खबर सुनने को मिलेगी, कोई ना कोई तरक्की, कोई ना कोई बिजनेस में बूस्ट या इस तरह का माशी तरक्की। वैसे लोग आपको आप लोगों में एक कह लें कि डोमिनेंट रहेंगे, लोग कहेंगे देखें जो वो उसकी प्रमोशन हो गई, वो उसको बिजनेस में बड़ा बूस्ट मिला, क्या बात है, एंड यू विल बी द टॉपिक ऑफ द डिस्कशन ऑफ द पीपल अराउंड यू एंड इट विल बी अ पॉजिटिव डिस्कशन। अल्लाह ताला भी आप पे मेहरबान है, कुदरत यहाँ पे आपको फेवर करती हुई नज़र आती है। दूसरा, ज़ाती मेहनत से बहुत पैसा कमाएंगे और फिर उस पैसे से कोई ना कोई नया कारोबार भी लॉन्च कर सकते हैं और कोई ना कोई जायदाद बढ़ाएंगे, कोई ना कोई इस किस्म का यानी प्रॉपर्टी या कोई इस किस्म की चीज़ें लेते हुए नज़र आ रहे हैं। यहाँ पे ससुराल वालों भी आपको कहेंगे जी हमारे साथ कारोबार करें और आप हमारे साथ एक एज ए पार्टनर चलें, तो वो भी आपको पार्टनर की सीयत देंगे, वहाँ पर भी आपको एडवांटेज मिल जाएगा और उनसे मिल के जब आप पैसे कमाएंगे तो आपको बहुत ही फायदा होगा। इन 3 दिनों में आपका समाजी व माशरती उहदा, रुतबा, मरतबा और दुनियावी फायदे आपको मिलते रहेंगे। अब ये दूसरा घर है, ये तो आपको मैंने अच्छी अच्छी बातें बता दी, लेकिन राहु के साथ बैठा तो थोड़ा सा आप स्प्लिट पर्सनैलिटी या कह लें कि हिपोक्रेसी थोड़ी सी होगी। एक तो वो लोग जो 2 नंबर काम करते हैं, दे विल बी वेरी एक्टिव, बहुत ही उनको एडवांटेजेस मिले। अच्छा, राहु जब बैठा और वहाँ मून आकर उसको एक्टिवेट करे और मून की पोजीशन तो थोड़ी सी डाउन होगी, लेकिन उसका मीडिएटर ठीक बैठा है, लेकिन स्विंग्स आएंगे आपको, जैसे मैंने पहले कहा कि कभी आप एकदम खुश मूड में आ जाएंगे, कभी एकदम डिप्रेस हो जाएंगे, कभी इस किस्म की, और फिर वेरिएशन रहेगी मूड स्विंग्स, जैसे ECG चलती है इस तरह मूड स्विंग भी रहेंगे। अब राहु क्योंकि बहुत ही कह लें कि मशक्क़त कराता है, जिस्मानी मशक्क़त कराता है, भाग दौड़ में आप जो भी पैसा कमाएंगे, जो भी आप मेहनत करेंगे, जो भी फायदा होगा उसमें आपकी एग्जर्शन बहुत होगी और कोई ना कोई बेहतरी होगी। अच्छा, अगर आपने इन केस वो लोग जो अपनी जॉब को छोड़ने के चक्कर में या रेजिग्नेशन देने के चक्कर में, वो अपना रेजिग्नेशन वापस ले लेंगे और ये इन दिनों में आप कोई वीरान जगहों पे भी आपके गुरु आ जाएगी, जहाँ पे कीड़े मकोड़े होंगे, कचरा, कील कांटे चुभने वाली शायद, तो ये एरिए को आपने ज़रा वहाँ पे सोच समझ के चलना होगा, कोई ना कोई किसी घर में सफाई करते हुए कपड़े, ख़वातीन अक्सर होती ना वो टेलीफोन सुना होता तो अंदर अलमारी में हाथ मार रही होती, तो वहाँ पर कोई ना कोई इंसेक्ट्स या कोई ना कोई वहाँ पे मसला, तो इसलिए थोड़ा सा जब भी ये काम करें तो ये इंसेक्ट्स की तरफ थोड़ा थोड़ा सा ध्यान कीजिएगा। अच्छा, सडन राहु जो ना सडन चीज़ें देता है, तो अचानक पैसे मिल जाएंगे, या दूसरा घर दौलत का भी है। और अच्छा, वो लोग जिनका बिजनेस चमड़े का है और बदबूदार काम है, टेक्निकल काम है, वो चीज़ें
वो चीज़ जो इंसानी यानी कि वेपन्स का है और बलालगंज जैसे है, वो पुरानी चीज़ों का, पुराने लोहा का, तो इन और सिगरेट वाले औजार, हार्डवेयर, गुसलखाने बनाने वाले, खेती बाड़ी के औजार, कंप्यूटर, ये लोग बहुत इन होंगे, बहुत इनको बड़ा अपलिफ्ट मिलेगी। घर में कोई ना कोई चीज़ खाने वाली आपकी फ्रिज में पड़ी बदबू देनी शुरू कर देगी, तो उस दिन आपने खाना सोच समझ के खाना है, क्योंकि राहु जो होता है वो डील करता है मसालेदार चीज़ों को, चिलीज वो, तो सॉसेज वगैरह ये वो, तो आप अननेसेसरी अपने आप को वो तेज मसालों में ना घुसिएगा। और आप ऐसी जगह पे बैठेंगे उस दिन आपके इर्द गिर्द सिगरेट पीने वाले लोग बहुत होंगे, या तो आप खुद भी बहुत स्मोकिंग करेंगे, इन केस यू आर नॉट स्मोकर देन यू विल बी प्रेजेंट अमंग दोज पीपल जो रेगुलरली एक सिगरेट खत्म होती दूसरी लगा रही, दूसरी सिगरेट लगा, तो आपके इर्द गिर्द धुआं धुआं भी आ सकता है, इस किस्म का भी आपका माहौल हो सकता है। अच्छा, फिर एक चीज़ का ख्याल रखना है कि राहू जो ना एकदम बंदे को घबरा देता है, खुद को घबराहट में डाल, तो इसमें परेशान नहीं होना, गुमसुम नहीं होना, वो एकदम दिल तक 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 करने बैठ जाए, तो ये घबराहट से बचना है आपने, ये ड्यू टू राहू होगा इसलिए परेशान नहीं होना, लॉसेस कोई नहीं है, सिर्फ आपने दो किश्तियों पर सवार नहीं होना। अच्छा, जब राहु और मून बैठते हैं तो बंदा थोड़ा सा इंतकाम ऑब्स्टिनेट होता है, इंतकाम लेने वाली कोशिश करता है, मैं छटा जानी, मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, और उससे मैं आके फिर उस बंदे का नुकसान भी करता है। इसके अलावा राहु जो है ना इंट्रीग भी करवाता है, अंडर कारपेट भी चलाता है, तो ये भी आप ना कीजिएगा, किसी का पटरा ना गोल कर दीजिएगा। अच्छा, वो लोग जिनका बिजनेस पुराने घरों को बेचना और फार्मिंग, पोल्ट्री फार्म जिसे कहते हैं ख़ास तौर पर, असले का कारोबार, शॉप थिंग्स का, शू मर्चेंट, चिल्लीज, ये ओल्ड व्हीकल्स, प्रॉन्स, स्पाइसेस, ये लोग बहुत इन होंगे और बहुत ज़्यादा आप कह लें कि उनको बिजनेस में उठान मिलेगी, ख़ास तौर पर जूते वालों को भी और चमड़े साधी को। अच्छा, यहाँ पे आप अपनी पुरानी गाड़ी बेच के नई गाड़ी खरीदने का भी प्लान करेंगे, क्योंकि राहु पॉजिटिव बैठा, जब राहु पॉजिटिव होता है, पॉजिटिव होता है तो बंदा नई गाड़ी रखता है और नया घर बनाता है, पुराने घर में नहीं रहना पसंद करता, जहाँ पे स्टिंकिंग भी बो आ रही होती, तो फिर उसको देख के ना तो वो बंदा कहता है क्यों ना मैं अपना नया घर ले लूँ। हार्डवेयर का बिजनेस भी आपको यहाँ पे दे देगा। दूसरे घर में राहु है तो दांतों के मसले जरूर आएंगे, वो दांत जिनके दांत टेढ़े मेढ़े हैं वो डेंटिस्ट के पास जाके ये तारे भी लगवा सकते हैं, या डेंटिस्ट के पास विजिट कर लेंगे, कोई रूट कनाल कराएंगे, या कुछ ना कुछ उनके दांतों को, गम्स को और मुंह के हिस्से को, लिप्स वगैरह को कोई ना कोई मसला या एलर्जी हो सकती है। अच्छा, यहाँ पे उस दिन जो बच्चा पैदा होगा उसके मुँह पे, यहाँ पे नाक के नीचे कोई ना कोई ब्लैक मोल जरूर होगा, ये मैं आपको बता दूँ, और मे बी सर्जरी से पैदा हो, ज़्यादा चांसेस सर्जरी के, क्योंकि राहु ने स्केयर दी हुई है मार्स को भी, लिहाजा अगर आपके यहाँ किसी की है तो मेंटली प्रिपेयर होके हॉस्पिटल जाए इन तीन दिनों में, देयर इज़ द चांसेस ऑफ सी सेक्शन। अच्छा, राहु क्रिएट्स डार्क बॉडी, ठीक है ना, तो धुआं वगैरह घर में कोई ना कोई चूल्हे को कहते हैं ना आप सालन रख के या दूध रख के भूल जाते हैं तो वो बलना शुरू हो जाएगा, और फिर वो कार घर में एक अजीबोगरीब सी, या कहते हैं हांडी सड़ जाना, या इस किस्म का भी आपको फेस करना पड़ेगा। सडन गेम इमेजिनेशन आपकी बहुत अच्छी होगी, बच्चे बहुत अच्छी होगी, और यहाँ पे आपको ज़्यादा चांसेस आपको फायदा है। तो ये आपने सिर्फ अपनी स्प्लिट पर्सनालिटी या दो नंबरी में नहीं जाना, यहाँ पे आपने बहुत ही यहाँ पे वकला जरा कमाल के आप क्या इधर की उधर उधर की इधर करके देंगे, टीचर बहुत अच्छे बोलेंगे, यानी जो भी वर्बल एक्सप्रेशन वाले लोग ना ये तेज 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 बोलेंगे, खाना भी आप जहाँ भी बैठेंगे जल्दी 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 तेज 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 खाना खाएंगे, तो थोड़ा सा ईटिंग हैबिट्स में आपने मसालेदार चीज़ें नहीं खानी। स्टॉक एक्सचेंज में बहुत फ़ायदा पहुंचेगा, मॉर्गेज में भी, शेयर्स में भी, लायर्स रात यहाँ पे ज़्यादा
काम करते हैं नजर आ रहे हैं। यहाँ पे वो लोग जो नशा करते हैं, वो लोग जो ट्रैंकलाइजर लेते हैं, वो लोग जो ड्रिंक करते हैं, उनकी थोड़ी सी मकदार बढ़ने के चांसेस है। उनको ज़्यादा थोड़ा सा इंट्यूशन हो, क्या होगी एक कह रहे कि एक पड़ी तो एक सिगरेट की बजाय दो सिगरेटें पी लेंगे, एक ड्रिंक की बजाय चार ड्रिंक पी लेंगे, या गोली ड्रग्स लेते तो ड्रग्स पी लेंगे। तो ये डिपेंड करता है इंडिविजुअल हॉरोस्कोप जैसा भी आपका। वहाँ पर अगर किसी का दूसरे घर में मार्स बैठा तो वो ड्रग्स जरूर लेगा या वो ड्रिंक करेगा। एनी हो, ये तीन दिन बड़े इंपॉर्टेंट है। मैंने आपको हर पहलू में बता दिया है कि ये किस तरह चलना है। मैं डिटेल इसलिए बताता हूँ ताकि आप हर शोबे के बंदे हैं, ताकि वो अपना शोभा वहाँ से पिक करें और उसके मुताबिक अकॉर्डिंगली। और इसकी यही है कि यहाँ पे आप तेज़ी आएगी, सडन गेंस होंगे, सडन घबराहट वगैरह होगी, लेकिन यानी जो काम एक घंटे एक दिन में निकलना है वो मिनटों में घंटों में निकल जाएगा। आगे चलते हैं अपना 10th फरवरी 11th फरवरी और मून आपके तीसरे घर में और तीसरे का लॉर्ड भी 10वें घर में बैठा है। तो ये भी स्टार्ट बहुत थोड़ा सा टैक्टफुल था। अब ये आपको थोड़ा सा जो जुमेरा जुमा यहाँ पे आपको थोड़ा सा सुकून भी मिल जाएगा और ये कह लें कि अपनी हिम्मत जो पीछे आपने तेज़ी दिखाई, पैसे भी आए, आपने उससे कोई ना कोई आप मेहनत करके अपने माशरे में आपकी कोई इम्पोर्टेंस जरूर होगी, दूसरों की नज़र में इज्जत होगी। कहते हैं जिसके कारदाने उसके कमले भी सियाने, कि जिसके पास पैसा होता है ना उसका बेवकूफ लोग भी अच्छे होते हैं, सियाने होते हैं। तो इस किस्म के काफ़ी आपको एडवांटेजेस नज़र आएंगे और अपनी ज़ुबान और जानत के इस्तेमाल से कोई ना कोई इल्मी व माशी कामयाबी ज़रूर हासिल करने में कामयाब होंगे और साथ साथ स्टेटस भी बढ़ेगा, ठीक है। और इलम के बल होते जो तीसरा घर वैसे भी एजुकेशन का है, इंटेलेक्चुअल का है और सारा कुछ, तो उसके बल होते आप कोई ना कोई काम निकालने में कामयाब होंगे। यहाँ अपने छोटे बहन भाइयों को भी अपने कारोबार में शामिल, यहाँ उनकी मदद लेने में कामयाब होंगे। तो तीसरा घर एजुकेशन का है तो एजुकेशन में आपका अच्छा रिजल्ट आ जाएगा, क्योंकि मून इस वक्त जेमिनी में, और जेमिनी आपको पता है इंटेलेक्चुअल का और पढ़ाई का और उसका, तो यहाँ पे जो भी आपने पेपर दिया उसमें भी आपको फ़ायदा मिल जाएगा। स्टेमिना बड़ा अच्छा होगा, छोटी छोटी बड़ी मज़ेदार ट्रैवलिंग होगी, कभी किधर, साफ़ी इजराब बहुत अच्छा रहेंगे, पोस्ट ऑफिस वाले, ट्रांसपोर्टेशन वाले, मार्केटिंग वाले, वर्बल एक्सप्रेशन, प्रिंटिंग प्रेस, यानी कह रहे हैं उस दिन जो भी तीसरे घर के बेनिफिट्स हैं वो सारे आपको पॉजिटिव तरीके से मिलते हुए नज़र आते हैं। ट्रैवलिंग आपकी बड़ी अच्छी, मे भी आप सोचे कि हम क्यों ना अपना घर तब्दील करें, क्यों ना हम उसकी तरफ चले जाएं। तो इस किस्म के ख्याल आपके दिमाग में, कोई पेपर छप जाएगा, कोई रिसर्च में आपको दिलचस्पी रहेगी, यानी हो ओवरऑल इट वुड बी अ गुड डे। बल्कि ये दोनों दिन आपके बहुत अच्छे हैं। उसके बाद वीकेंड आता है 12 और 13 फरवरी को, चौथे घर में मून अपने घर में बैठा है, चौथे का लॉर्ड चौथे में, तो यहाँ पे वालदा के साथ इंटरेक्शन, आपके दो दिन वालदा के साथ इंटरेक्शन, वालदा के साथ गपशप, घर का माहौल बहुत ही अच्छा होगा, खुशहाली होगी और प्रॉस्पेरिटी होगी आपका, और आपका ना यू विल बी गिवन इम्पोर्टेंस इन द फैमिली एंड यू विल बी सेंटर ऑफ अट्रैक्शन एट दैट डे। रेजिडेंस की कोई आपको बेहतरी करते नज़र आ रहे हैं, घर की सफाइयाँ करते नज़र आ रहे हैं, खवातीन ख़ास तौर पर रीसेटिंग करते हुए नज़र आ रहे हैं, घर में कोई चीज़ ऐड करते हुए नज़र आ रहे हैं। मोरालिटी आपकी बहुत अच्छी होगी, मौसम बहुत अच्छा होगा, बड़ा रोमांटिक, मे भी उस दिन बारिश हो, मे भी, क्योंकि मून है वहाँ पर, तो वहाँ पर आपको कोई ना कोई एडवांटेज भी मिल जाए। पीस ऑफ माइंड बहुत अच्छा होगा, तो यहाँ पर आपका जो कहते हैं दिन, सारा दिन मुस्कुराते हुए, सारा दिन हंसते खेलते हुए, वालदा की खिदमत करते हुए दिन गुजरेगा और यूँ आपका इतवार को। इन दो दिनों में आपको रात नींद बड़ी अच्छी है, पानी ज़रूर पीजिएगा क्योंकि आपने इंजॉय का लमशू बाद पीते नज़र आ रहे हैं। बीवरेज के कारोबार वाले एकदम उठाना है, उनको वो भी फ़ायदा होगा, आपको जो बिजनेस मैन है उनको भी फायदा होगा, जिस आस्पेक्ट में भी बैठे हैं यू विल बी बेनिफिटेड। तो ये हफ्ता सारा का सारा आपके लिए अच्छी खबरें लेके आ रहा है, इरीज़ अवेल कीजिएगा। अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी, मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।